नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पिछले 10 सालों में भारतीय सेना का तेजी से कायाकल्प हुआ है। भारतीय सेना को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे आधुनिक हथियार मिलने का रास्ता खुला है। लेकिन इन्हीं 10 सालों में भारत की रक्षा नीति भी 180 डिग्री बदल गई है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश कहलाने वाले भारत ने अब अपनी ये पहचान बदलने का फैसला कर लिया है। अब हर बड़ी डिफेंस डील के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया की जरूरी शर्त होती है। अमेरिका से लेकर रूस तक, अब फ्रांस से लेकर इजराइल तक, सभी देशों को हथियार बेचने के लिए मोदी की स्वदेशी नीति माननी पड़ रही है। इसलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए मेक इन इंडिया ट्रेंडिंग, मोदी की ग्लोबल शॉपिंग। देश अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहा है, आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा। देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। जिन समस्याओं को पहले परमानेंट मान लिया गया था, हम उसके परमानेंट सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। भारत विश्व का बड़ा इनोवेशन हब बनकर उभरेगा। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। नए भारत की तस्वीर है। रूस से खरीदा S-400 कवच, मेंटेनेंस करेगी भारतीय कंपनी। राफेल जेट और राफेल एम ऑपरेशन फैसिलिटी भारत में तैयार। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भारत में बनाने की डील। H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर वडोदरा में बनी असेंबली लाइन। फाइटर जेट इंजन भारत अमेरिका मिलकर बनाएंगे।
MQ-9B प्रिडेटर ड्रोन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अमेरिका राजी। इगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में बनेंगे। सबसे आधुनिक और सबसे उन्नत तकनीक वाले हथियार चाहे रूस के हो या अमेरिका के, डील फ्रांस से होनी हो या इजराइल और ब्रिटेन से, भारत के साथ अब डील तभी होती है जब हथियार बेचने वाला देश उससे जुड़ी सीक्रेट फाइल भी हिंदुस्तान को सौंप देता है। हथियारों के साथ साथ उसे असेंबल करने, उसका रखरखाव करने और जरूरत पड़ने पर उसे बनाने की गोपनीय तकनीक भी हासिल करता है। भारत की इसी बदली पॉलिसी ने पिछले 10 सालों में ऐसी कई डील करवाई हैं जिन्हें दुनिया में असंभव माना जाता था। हथियार खरीद की नई मोदी नीति से जुड़ी सबसे नई खबर सुनिए। मेक इन इंडिया पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने रूस के साथ S-400 को लेकर रूस से हुई डील में बड़ा निर्णय लिया है। रूस के सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने रिपोर्ट किया है, जब S-400 की सभी 5 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगी तो भारत में इस वायु रक्षा प्रणाली के कुछ हिस्सों के निर्माण की तैयारी की जाएगी। S-400 में भारत ने रूस से S-400 की 5 स्क्वाड्रन यूनिट खरीदने की डील की थी। इनमें से अब तक S-400 की 3 स्क्वाड्रन मिल चुकी हैं और उन्हें चीन और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक तैनात भी किया जा चुका है। बाकी बची 2 स्क्वाड्रन के अगले 12 से 24 महीने में मिलने की संभावना है, लेकिन भारत की रक्षा जरूरत S-400 की 5 स्क्वाड्रन यूनिट से पूरी नहीं होती। भविष्य में भारत को S-400 जैसे अभेद्य कवच की और स्क्वाड्रन यूनिट चाहिए होंगी, लेकिन हर बार इन्हें रूस से खरीदना महंगा सौदा साबित होगा। इसलिए अब भारत में ही S-400 के कलपुर्जे बनाने और उन्हें असेंबल करने की तैयारी की जा रही है। रूस इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। आज भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। रूस के S-400 को भारत में बनाने के अलावा भारत के डिफेंस साइंटिस्ट S-400 जैसा पूरी तरह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी विकसित कर रहे हैं।
स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाने वाले इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट कुशा है। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है, भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है। पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से घिरे भारत को S-400 जैसे और ज्यादा मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, जो सस्ते हो, स्वदेशी हो, और जो चीन के J-20 फाइटर प्लेन और पाकिस्तान को अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट्स का काल बन जाए। लेकिन भारत रूस के अलावा अमेरिका से भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बड़ी डील कर रहा है। अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की सबसे नई डील अमेरिका के सबसे आधुनिक स्ट्राइकर टैंक को लेकर हो रही है। स्ट्राइकर टैंक को लेकर डील डन हो जाती है तो भारत न केवल स्ट्राइकर का को प्रोडक्शन करेगा बल्कि अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा, जिससे कि भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत के स्वदेशी अर्जुन टैंक के साथ अमेरिका का स्ट्राइकर टैंक पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर गेम चेंजर साबित होगा। स्ट्राइकर 8 पहियों वाला टैंक है। इसे जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा और अमेरिका में जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम डिवीजन ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारत और अमेरिका के बीच स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के संयुक्त उत्पादन को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। भारत अमेरिका से इस डील में करीब 150 स्ट्राइकर टैंक ले सकता है। समझौते के बाद इस आर्मर्ड व्हीकल का उत्पादन भारत में किया जा सकेगा। स्ट्राइकर एक टैंक भी है और कॉम्बैट व्हीकल भी, यानी स्ट्राइकर मौका मिलने पर दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है और खुद को दुश्मनों की गोलीबारी से बचा भी सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने स्ट्राइकर टैंक अब तक दुनिया के किसी देश को नहीं बेचा है, लेकिन अमेरिका भारत को अपने सबसे आधुनिक 2-in-1 टैंक और कॉम्बैट व्हीकल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो ये नई ऊर्जा दिख रही है, इसके पीछे हमारे अतीत के अनुभव हैं, वर्तमान की आवश्यकताएं हैं और भविष्य की चुनौतियां भी। मोदी 3.0 सरकार के आगे जो डिफेंस सौदे हैं, उस लिस्ट में सबसे ऊपर राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का $multi-billion का सौदा है, जिसके तहत भारत ने फ्रांस से राफेल मरीन खरीदने का फैसला किया है। राफेल का एम यानी मरीन वर्जन भारत में मौजूद 36 राफेल फाइटर जेट से भी एडवांस्ड है। नेवी के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल एम जेट और 4 डबल ट्रेनर सीट राफेल एम जेट
हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। बाईस सिंगल सीट वाले राफेल एम और चार डबल सीट वाले ट्रेनर राफेल एम, यानी कुल मिलाकर 26 राफेल एम की डील होनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राफेल एम के सौदे में भी पहली शर्त यही है कि इसके रखरखाव और मेंटेनेंस के काम के लिए भारत में ही कंप्लीट फैसिलिटी बनाई जाएगी। राफेल एम समुद्री एरिया में हवाई हमले के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है। राफेल एम बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। इस काबिलियत को शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। राफेल एम एंटी शिप स्ट्राइक के लिए दुनिया का सबसे शानदार फाइटर जेट है। वायुसेना के राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के बाद राफेल एम खरीदने का निर्णय इसलिए भी लिया गया क्योंकि राफेल के दोनों वेरिएंट में लगभग 85% कंपोनेंट्स और पार्ट्स एक जैसे हैं और वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। विशाखापट्टनम के नौसैनिक हवाई स्टेशन INS डेगा पर राफेल एम का बेस बनेगा। इससे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में चीन का जासूसी जाल छिन्न भिन्न हो जाएगा। राफेल एम की तरह ही अमेरिका के साथ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डील भी हो रही है और इसमें भी मोदी सरकार की पहली शर्त टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ही है।